स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप से इंटीग्रल फाइंड करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रल का एप्लीकेशन देखना होगा कि क्या उनके प्रयोग हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रल का। तो यहाँ हम यूज करेंगे बाउंडेड एरिया फाइंड करने में। कोई भी एरिया बाउंडेड होगा उसको हम इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इसमें कुछ इस तरह से फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाय स्क्वायर बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दी गई है बाय स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर देखेंगे कि जो कर्व है हमारी बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, तो इसे हम देखते हैं ये हमारा फॉर्म होगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला। और ये हमें जो दी गई है इक्वेशन वो है बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये जो रीजन हमें फाउंड करना है वो बाउंडेड है पैराबोला लाइन एक्स इक्वल टू 1, लाइन एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये कर्व हमारा पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला किस टाइप का होगा, तो ये पैराबोला हमने देखा है जो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है वो राइट वार्डेड पैराबोला होता है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक राइट वार्डेड पैराबोला। ये आपका हो गया राइट वार्डेड पैराबोला। ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है एक्स माइनस और ये बाई माइनस। अब जो एरिया बाउंडेड बताया है वो है इस पैराबोला के बीच में और लाइन एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है बाई एक्सिस के। तो एक्स इक्वल टू 1 में ये ले लिया, ये मान लो है एक्स इक्वल टू 1, ये लाइन है एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन बताइए एक्स इक्वल टू 4, तो ये लाइन हो गई एक्स इक्वल टू 4 और ये पैराबोला है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो आपको जो रीजन फाइंड करना है वो इस पैराबोला लाइन एक्स इक्वल टू 1, लाइन एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस और बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी इस क्वाड्रेंट को तो देखना ही नहीं है, हमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, वो एरिया देखना है। अब इसमें अगर हम देखें तो बाउंडेड एरिया दो दिखाई देते हैं हमें, एक ये है बाउंडेड एरिया और एक ये है। ये वाला बाउंडेड एरिया देखो, इसमें एक्स एक्सिस भी है, पैराबोला भी है और लाइन एक्स इक्वल टू 1 भी है, लेकिन लाइन एक्स इक्वल टू 4 नहीं है। लेकिन इस एरिया में अगर हम देखें, ये जो एरिया है हमारा, ये जो शेडेड एरिया है, इसमें देखो एक्स एक्सिस भी है, लाइन एक्स इक्वल टू 4 भी है, पैराबोला भी है और लाइन एक्स इक्वल टू 1 भी है। यानी कि यही एरिया हमसे फाइंड करने को बोला है, तो हमें एरिया फाइंड करना है ये। इस एरिया में हमें देखो इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लेनी होगी। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका 1 0 और ये पॉइंट हो गया 4 0, तो लिमिट हो जाएगी आपकी 1 to 4 और लिमिट है एक्स एक्सिस पर। तो इंटीग्रेट हमें करना होगा
पैराबोला के वाई को, पैराबोला अगर लिमिट एक्स एक्सिस पर है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा पैराबोला के वाई को, अगर लिमिट वाई एक्सिस पर होती तो हमें करना होता एक्स एक्सिस को, इन विद रिस्पेक्ट टू इसमें हम करेंगे dx, और जब यहाँ होती तो हम करते dy। तो लेते हैं ये रहा आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इससे हम फाइंड करते हैं बाई इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ से आएगा बाई इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल टू, ये बाउंडेड एरिया इसके लिए सबसे पहले लिमिट एक्स एक्सिस पर मैंने बताई यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इस कर्व को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ये एरिया आएगा जिसकी लिमिट होगी 1 to 4, तो लिमिट हो गई 1 to 4, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, और किसे इंटीग्रेट करना है पैराबोला के बाई को, बाई ऑफ पैराबोला, ये ध्यान रखना है इक्वल टू लिमिट 1 to 4, बाई होगा पैराबोला का रूट एक्स और डी एक्स, इसको करना है इंटीग्रेट आपको, तो लिमिट वही रहेगी अभी 1 to 4, रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स टू पावर 1/2 और डी एक्स, और इसे हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 3/2 और लिमिट है 1 to 4, तो एरिया हो जाएगा आपका, अब लिमिट अप्लाई करोगे पहले इसको और सॉल्व कर लें, ये 3/2 है, ये 2/3 हो जाएंगे, इनको हमने यहाँ ले लिया, और लिमिट अप्लाई करनी है एक्स रेज टू पावर 3/2 में, और लिमिट है 1 to 4, तो 2/3 एज इट इज, अपर लिमिट यूज करेंगे तो 4 raised to power 3/2, माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो 1 raised to power 3/2 इक्वल टू ये 2/3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 और होल टू पावर है 3/2, माइनस 1 के ऊपर कोई भी पावर होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये आया 2 raised to power 3 यानी कि 8 - 1, और इसे आप कहेंगे 2 × 7/3 यानी कि 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका बाउंडेड एरिया होगा जो पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस के बाउंडेड होगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसमें भी कर्व दी गई है बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये भी है आपका पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, तो लाइन दी गई एक्स इक्वल टू 2, लाइन्स एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हमने ये कर्व की इक्वेशन देखी, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 9x यानी कि ये पैराबोला है, और किस टाइप का पैराबोला है बाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax और जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है वो हमारा होता है राइट वार्डेड पैराबोला। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं राइट वार्डेड पैराबोला, ये होगा राइट वार्डेड पैराबोला। इसमें एक लाइन लेनी है x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 2 और ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 4। तो ये ओरिजिन है, ये हो गया 2,0 और ये हो गई 4,0। ये हमारा कर्व है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 2 to 4, लिमिट होगी x एक्सिस पर 2 to 4, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो यहाँ हमें देखना है जो लिमिट होगी वो x एक्सिस पर है, जिस पर लिमिट होती है, जिस एक्सिस की हम लिमिट लेते हैं उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और किसको करेंगे इंटीग्रेट? अगर लिमिट x एक्सिस पर है तो इंटीग्रेट करेंगे y को। किसके y को? पैराबोला के y को। और पैराबोला आपको दिया है y² = 9x। तो पैराबोला का y फाइंड करते हैं यहाँ से, तो y² = 9x है। इसका मतलब हुआ कि y = √9x, या इसी को हम कहेंगे 3√x। ये हो गया y। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करते हैं, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा बाई ऑफ पैराबोला और विद रिस्पेक्ट टू होगा एक्स के, और लिमिट होगी 2 to 4। हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, तो लिमिट है 2 to 4 इक्वल टू 2 to 4 लिमिट, और बाई इसका हमने फाइंड किया है 3√x, इनकी 3√x और dx, 3 को बाहर ले लेते हैं, 2 to 4 लिमिट, ये आ गया √x dx इक्वल टू 3 को बाहर किया लिमिट रहेगी। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेट हो जाएगा 2/3 और x³/3/2 और लिमिट है 2 to 4। 2/3 को भी बाहर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 2/3 और x³/3/2 और लिमिट है 2 to 4। लिमिट अप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2, तो ये x अपर लिमिट है, तो 4³/3/2 -2³/3/2 ये लोअर लिमिट हो गई। तो 2 = इसे हम करेंगे 2² 4 को लिखेंगे 2² और √3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये है आपका 2³/3/2 यानी इसको लिखोगे आप 2√2 लिख सकते हो ऐसा। तो ये हो गया 2 और 2³ को कहेंगे हम 8 - 2√2 तो ये आ गया 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आपका हो गया बाउंडेड एरिया जो फाइंड करने को कहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द बाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम वही क्वेश्चन है, पैराबोला है x² = 4y, लाइंस दी गई हैं आपको x y = 2, y = 4, y = 2, y = 4 और दी गई दिया है आपको y एक्सिस
और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो ये पैराबोला हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई के फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। और ये जो पैराबोला होता है हमारा, वो होता है अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। ये अपवार्ड पैराबोला हुआ, हमें अगर x फाइंड करना होगा यहाँ से, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट फोर वाई, यानी कि ये आएगा आपका टू रूट वाई। अब इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अपवार्ड पैराबोला है तो अपवार्ड पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, ये ओरिजिन हो गया, लाइन है y इक्वल टू टू, y इक्वल टू फोर, जो y इक्वल टू टू लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, y इक्वल टू फोर होगी वो भी x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये y इक्वल टू टू है लाइन, और ये y इक्वल टू फोर है, और ये है आपका पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई। तो ये, और आपको जो रीजन फाइंड करना है बाउंडेड, वो है कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, यानी कि ये कर्व हो गई पैराबोला की, ये आपकी थी एक्स माइनस, ये है एक्स प्लस, और ये है वाई प्लस, और ये है वाई माइनस, ये था ओरिजिन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई तो ये सब हो गया, वाई इक्वल टू टू यानी कि ये हो गई वाई इक्वल टू टू, ये है वाई इक्वल टू फोर। तो वो रीजन जिसमें वाई इक्वल टू फोर भी हो, वाई इक्वल टू टू भी हो, वाई एक्सिस भी हो और पैराबोला भी हो, तो वो रीजन आपका होगा ये वाला, इसमें वाई इक्वल टू, और लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि क्या कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रीजन हो जाएगा आपका ये रीजन है जिसमें y इक्वल टू फोर भी है, y इक्वल टू टू भी है, और y एक्सिस भी है और पैराबोला भी है। तो आपका ये रीजन होगा, ये वाला नहीं निकालना है आपको। तो यहाँ देखो, ये तो हो गया 0,2 और ये हो गया 0,4। तो लिमिट y एक्सिस पर है, इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बाई, और किसे इंटीग्रेट करना है, पैराबोला के एक्स को। लिमिट बाई एक्सिस पर है तो विद रिस्पेक्ट टू बाई इंटीग्रेट करना होगा, और किसे इंटीग्रेट करोगे, पैराबोला के एक्स को। तो हम लिखते हैं यहाँ रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इक्वल टू लिमिट रहेगी टू टू फोर, और डी वाई किसको करना है, एक्स को, पैराबोला के एक्स को करोगे, एक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्स है टू रूट वाई, तो ये हो जाएगा टू टू फोर और टू रूट वाई, और ये डी वाई इक्वल टू, टू को बाहर ले लोगे, लिमिट है टू टू फोर रूट वाई, यानी कि वाई टू पावर वन अपॉन टू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर चुके हो आप, तो टू 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 फोर ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये फिर हटाना पड़ेगा, तो टू अपॉन थ्री वाई टू पावर थ्री अपॉन टू, और लिमिट होगी फोर और ये टू, टू अपॉन थ्री को भी बाहर ले लेते हैं, तो टू इंटू टू अपॉन थ्री लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट है फोर, तो फोर टू पावर थ्री अपॉन टू माइनस टू टू पावर थ्री अपॉन टू, तो ये हो गया फोर अपॉन थ्री, इसे हम लिखेंगे टू टू पावर टू होल टू पावर थ्री अपॉन टू माइनस, इसे लिखेंगे हम टू रूट टू इक्वल टू, ये टू से टू कैंसिल, फोर अपॉन थ्री, ये आ गया एट माइनस टू रूट टू, और आगे सॉल्व करोगे तो फोर एट जा थर्टी टू अपॉन थ्री माइनस फोर टू जा एट रूट टू,
अपॉन 3, या इनको एक साथ भी लिख सकते हो, अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, यही होगा आपका बाउंडेड एरिया।